दोस्तों अगर आप लोगों का पीसी गंदा है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक बात है, और अगर रेनी सीजन के टाइम पे गंदा है तो और भी ज्यादा खतरनाक बात है। वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन, दिस इज bareillyfrs एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू क्लीन योर पीसी विद दिस ब्लोअर। ये तीसरी बार बोला है। और ये साफ करना इसलिए भी जरूरी बन जाता है क्योंकि पीसी में अगर आपकी धूल जमी रहेगी तो आपके प्रोसेसर में ओवरहीटिंग का खतरा हो सकता है, और ओवरहीटिंग की वजह से आप लोगों का चिपसेट उड़ सकता है। चिपसेट क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मदरबोर्ड में एक जगह होता है जहाँ पे हीट सिंक लगे रहते हैं, मैं दिखाई देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सीपीयू फैन काफी गंदा है, जिसकी वजह से इसका चिपसेट जो कि यहाँ पर है मेरे ग्राफिक कार्ड के पीछे, तो शायद आप लोगों को दिख जाए, वो दिख रहा है वाइट, वो खराब हो जाता है जिसकी वजह से पूरा मदरबोर्ड खराब हो जाता है। फैन में धूल इकट्ठा होने लग गई है, इससे ये फैन जाम होने लग जाता है। जब फैन जाम होने लगता है तो उसकी वजह से ये फैन भी खराब हो सकता है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सिस्टम हमने काफी टाइम से साफ नहीं किया है, जिसकी वजह से इसका ये हाल हो गया। मतलब करा है बहुत टाइम पहले करा था। बेसिकली क्या होता था कि पहले जब मेरे पास ब्लोअर नहीं था तो मैं इसी ब्रश से पूरा धीरे धीरे साफ करता था पूरे पीसी को। ब्लोअर कैसे वर्क करता है, जब इस डायरेक्शन में हवा जाती है तो ये इस तरफ भी फेंकेगा और नीचे की तरफ फेंकेगा। जो नीचे वाली चीज है ना, पहले हम इसे ब्रश से साफ करेंगे, क्योंकि नीचे वाली चीज अगर ऊपर पहुंच गई तो ये ग्राफिक कार्ड के पंखों में धूल चली जाएगी। जैसे पहले से तो खैर काफी क्लीन हो गया ये, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ब्रश से हटाना पड़ेगा। और रेनी सीजन में रूवलिया ने भी बताया कि खतरनाक होता है। तो क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि रेनी सीजन में मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर के बाद ये चीज फंगस क्रिएट करने लगती है आपके सर्किट पे। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ कि मॉइस्चर कैसे आता है। अब यार देख रहे हो ये धूल जो है ना, ये चिपकी हुई है, ये मॉइस्चर इसमें आ चुका है इसीलिए, तो यही रीज़न है आगे जाके इस पर फंगस भी लग जाती। और दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ कि जितना प्रोसेसर फैन को साफ करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है इसके हीट सिंक को अंदर से साफ करना, क्योंकि यहीं के अंदर धूल भर जाती है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो कि धूल कितनी इकट्ठा हो चुकी है, गीगाबाइट के ऊपर आप दिख रहा होगा, ये सब इसी के हीट सिंक से निकली हुई धूल है। दूसरी पॉइंट ये जो है रैम, यहाँ पर इस रैम को वैसे तो टच मत करना, लेकिन कभी कभार आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है और बिल्कुल ब्लैकआउट स्क्रीन हो जाती है, तो रैम को करना पड़ता है उस कंडीशन में। ऑल्दो मेरी कंडीशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं रैम को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। तो दोस्तों हम लोगों ने कंप्यूटर साफ कर लिया है और अब हम शीशे को साफ करने वाले हैं कॉलेंस से। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया है कितना ज्यादा साफ कर दिया है मैंने 10 तरीके के कॉलेंस यूज करके, 2-3 तरीके के डिस्प्ले भी साफ किया है, इसका शीशा भी आगे का साफ किया है, इसमें आगे भी शीशा है इसलिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, किसी तरीके से लगा हो कि ये हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। शेयर उन लोगों के साथ कर दें जिन लोगों को इन चीजों में इंटरेस्ट हो। और आने वाले थोड़े दिनों में मैं ऐसे वीडियोज लेकर आऊंगा जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या लैपटॉप कंप्यूटर से रिलेटेड हो, और अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भी बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।